आजकल जिस तरह का चल रहा है पढ़ाई का, वो ना समझाया जाता और ना आज का बच्चा समझता इस बात को। कई बार क्या है, आप देखना, आनंद लेने के लिए कह रहा हूँ, लिखा हुआ शत शत नमन शत शत वंदन, और पता नहीं क्या शौक है, शत शत लिखेंगे और तय के नीचे वो डॉट सा लगा देंगे। पता है आपको, तय के नीचे डॉट लगाते ही शत के माने सौ होते हैं, वो डॉट लगाते नीचे जरा सा उसका अर्थ ही नहीं रहता, कुछ नहीं, लगा दिया शौक में, लगा दो भैया को ऐसे भी कर दो और अच्छा लगेगा, कोई फालतू लग जाएगा, उसका अर्थ ही नहीं रहता। लिखे जाओ, कुछ करे, जिसको पता है वो जान लो सत्यानाश कर दिया, वंदन वंदन रहेगा। शत जो सौ सौ बार वंदन हम कहना चाह रहे थे, वो जरा सा लगा और खत्म हो गया, शत ही खत्म हो गया। और कहीं पर ये न लगे तो अर्थ क्या हो जाता। जैसे मैंने अभी अंतर शब्द के दो रूप बताए, अंतर जिसके नीचे कुछ नहीं लगा उसका अर्थ है फासला, और अंतर जिसके रह के नीचे डॉट लगा है उसका अर्थ होता है मन। यहां पहले वाला अर्थ है, दूसरे वाला नहीं है, यह मन का कोई प्रसंग नहीं है, यहां तो फासला है। अब ये फासला कैसे है, इसको मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं समझने के लिए। ये जो अंतर है, इस अंतर को फासला भी कहते हैं और इसको बाधा भी कहते हैं। बाधा क्यों कहते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको, ये क्या है मामला। एक व्यक्ति पर राजा प्रसन्न हो गया, जैसे भी कोई कारण रहा, उसने कोई अच्छा काम किया है या क्या किया, प्रसन्न हो गया, मैं बात इतनी है। प्रसन्न होकर राजा ने उस आदमी को पुरस्कार देने की सोची, और पुरस्कार भी 1,00,000 रुपए। राजा ने सेवक से कागज लिया और पत्र लिख दिया खजांची को, कोषाध्यक्ष को, इस आदमी को 1,00,000 रुपए दे दे, पुरस्कार शब्द भी लिख दिया। राजा ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। अब कोई कमी तो नहीं रही भाई, 1,00,000 रुपए का पुरस्कार, राजा ने चिट्ठी दे दी, राजा की चिट्ठी, राजा का पत्र, जे थैली भर के दे दो जे चिट्ठी दे, फर्क क्या रहेगा, कैशियर के नाम लिख दिया, फर्क किस बात का है, वो तो जो पत्र है पत्र नहीं है, वो तो 1,00,000 रुपए की थैली है, कोई छोटी चीज है, राजा का हस्ताक्षर, लो जाना खजाने में चले जाओ, इनाम दे दो। पर उसने भी लिया, बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, इतना इनाम मिल गया, हंसी खुशी में वह खजाने पहुंचा, कोषाध्यक्ष मिला, उसको पत्र दे दिया। अब अंतराय कर्म शुरू होता है, यहां से अंतराय कर्म का उदय था। अंतराय कर्म का उदय का मतलब कि उसमें लाभ में बाधा थी, इसको लाभ अंतराय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बोलना जी जरा, क्या कहते हैं, लाभ में बाधा, लाभ मिलने में फासला, ये जो मिलना है ना इसमें रुकावट है, बाधा है, फासला है। खजांची केशियर ने देख, बोल क्या काम कर दिया इसने 1,00,000 रुपए का, राजा है, दिमाग है, दे दी 1,00,000 रुपए का इंतजाम, दे दो इसको इतना बड़ा इनाम। जैसे यूँ कहते ना, ईर्ष्या होना, जलन होना, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं है कि मना कर दे मैं नहीं देता, ये ताकत नहीं उसमें, राजा के हस्ताक्षर वाला पत्र है और वो मना कर दे, उसमें कहाँ से ताकत आ गई, इतने सवाल ही पैदा नहीं होता। पर अंतराय कर्म ने अपना काम दिखाया, भाई आपको बधाई, बहुत बहुत, आपको इतना बड़ा इनाम महाराज ने दिया है, 1,00,000 रुपए का इनाम मिला आपको, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तो कैश बंद हो चुका, कल मिलेगा। बताओ जी, मने तो नहीं करा उसने, राजा की चिट्ठी से इनकार तो नहीं कर सकता, मैं नहीं दे रहा, कोई बात है,
लेकिन अंतराय कैसे उदय में आया? वे कैश बंद हो चुका, आप बैंकों में भी तो ये होता है, जितने बजे टाइम होता है इसके बाद कैश का काम नहीं होता और काम होते हैं, बोले वो इस समय तो कैश का काम बंद हो गया, वो भी कुछ नहीं कर सकता, वो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कैश बंद हो गया तो वो आदमी भी ठीक है, ये राजाज्ञा तो वो भी राजाज्ञा, इतने बजे तक काम होगा बैंक का खजाने का, कल आ जाना। अच्छा जी, ले गया ना अपना चुपचाप पत्र, नहीं उठाए फिर जाओ, आज तो नहीं मिले उसको पैसे, ये अंतराय कर्म था, आज नहीं लाभ नहीं होना था, घर ले गया। अगले दिन खुशी खुशी सवेरे पहुंचा, गया उसने भी देख लिया आ गया, ये कोई वैर कह लो या मन कह लो, भाई साहब बैठ जाओ अभी कैश जमा हो रहा है, आप बैठ जाओ। वो जमा वाले चलते रहे और चलते रहे, जब उसकी बारी आए बोले भाई कैश इस समय इतना है नहीं, लाख रुपए का तो आधे चाहे तो ले, बोले आधे क्यों ले जाऊँ मैं पूरे लेके जाऊँगा, बोले फिर ऐसा करना कल आ जाना, आज तनख्वाह देनी थी कैश चला गया, आप कल आ जाना, कल के लिए चला गया। अगले दिन बैंक के खजाने की छुट्टी पड़ गई, लिए रहो चिट्ठी, अगले दिन क्या हो गया, छुट्टी पड़ गई, 15 अगस्त की छुट्टी होगी, कोई भी छुट्टी होगी अगले दिन छुट्टी होगी, उसको ध्यान भी नहीं था छुट्टी, वो अपना पत्र लेकर के वहाँ पहुँचा, पता चला आज तो खजाना बंद है, बंद हो कटवा दिए 3 दिन चक्कर, किस बात के नाम के, कोई पत्र में कमी हो, किसी बात में खजाने में पैसे ना हो, कोई बात हो, कोई कहीं किसी बात में त्रुटि हो, पर एक बात है अपने लाभ अंतराय कर्म का उदय है। ये अंतराय 5 तरह की होती है, ज्ञान अंतराय, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय, ये अंतराय हैं। 3 दिन चक्कर कटवा दी और चौथे दिन भी कह नहीं सकते कि मिला नहीं मिला, उस दिन क्या बात होगी, बंद हो इसका नाम अंतराय है, मिलता हुआ लाभ, मिलने वाला लाभ जो उसके जेब में है, मिलना चाहिए को मना नहीं कर सकता उसको, लेकिन अपने अंतराय कर्म होता है लाभ नहीं मिलता। दैनिक जीवन के क्रम की बात और इसी तरह की समझ लो, समझाने के लिए, काम चल रहा था साइट के ऊपर, कोई मकान बन रहा था या कोई और काम था, मजदूर लगे हुए थे, ठेकेदार ने मजदूर लगाए थे, सबकी अपनी स्थिति होती है। एक मजदूर ऐसा था जिसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत थी, घर में रोटी की समस्या थी कि आज पैसे मिलेंगे तो जुगाड़ जोड़ लूँगा, काम किया उसने, शाम हुई जब पैसों की बारी आई, पता चला ठेकेदार ने 4 बजे छुट्टी करके चला गया, तनख्वाह कल मिलेगी, भाई जिनकी स्थिति ठीक थी उनको तो कोई दुख नहीं हुआ, भाई अपना तो है, और जिसकी स्थिति ठीक नहीं थी उससे पूछो, सारे दिन मेहनत करी मजदूरी करी उसका तो कोई दोष नहीं है, भाई कहीं कमी रही हो कुछ हो, ठेकेदार चला गया। बताऊंगा ये अंतराय है, मिलने चाहिए थे शाम को पैसे, पैसे मिलते तो उसने अपना कुछ जो भी कुछ करना था काम घर में वो करना था, रह गया। बंध वो सुझाव ये दे रहा हूँ आपको, नहीं कॉमन बात, सामान्य बात कह रहा हूँ, कभी भी किसी के लाभ में कभी बाधा मत बनो, जिसका जो हक है जो मिलना है अपने कोशिश हो ले भाई तेरे पैसे ही रखे, नहीं तो अपना भी कर्म बनता है उसकी आत्मा दुखती है, पता नहीं कौन किस स्थिति में था क्या बात थी, और ठेकेदार बिना पैसे दिए अपने 4 बजे निकल गया, बात भाई ठेकेदार है मालिक है काम पड़ गया उसको कुछ भी कह सकता है वो, और वो मजदूर बेचारे, वो बेचारे ये ज़रूरतमंद हैं और वो बेचारे दुखी क्या करें, इसको लाभ अंतराय कहते, यूँ होता है ये अंतराय का। अब और अर्थ आपको बताता हूँ,
व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ का फल उसे मिलना चाहिए। इस पुरुषार्थ और फल के बीच में जो फासला और बाधा है उसका नाम अंतराय कर्म, ये बीच में बन जाता है, ये लाभ होने नहीं देता। जो पुरुषार्थ का फल मिलना चाहिए था वह मिल नहीं पाता और आदमी रह जाता है। अंतराय कर्म बड़ा भयंकर कर्म है, भयंकर सारे हैं, भला कोई नहीं है, लेकिन इस अंतराय कर्म की आपने बात को समझा, किस तरह से आदमी को उसके पुरुषार्थ का मेहनत का फल देने के अंदर बीच में दीवार बन जाता, कोई न कोई बहाना बना करके कुछ न कुछ करके फल नहीं मिलता, ये अंतराय कर्म है। अंतराय कर्म के कितने सारे रूप हैं, व्यापार से जुड़ा है, घर से जुड़ा है। एक और बात, जैसे हम कहते हैं भाई दैनिक जीवन के प्रश्न बनते बनते काम रुक जाता है, कई लोग कहते हैं काम बन जाना था पर पता नहीं हमारा तो भाग कैसा, काम बनते बनते रुक जाते हैं, काम अटक जाते हैं, पता नहीं क्या बात है। बात इसकी एक अंतराय कर्म की, अंतराय कर्म आ जाता है बीच में, उसका उदय है कर्म का, इसलिए काम बनने नहीं देता, रुकावट बन करके खड़ा हो जाता है। दुनिया दुख मानते दुखी होती है, होती रहो, अंतराय कर्म है, कर्म कार्य की सिद्धि नहीं होने देता है। बंधुओं, इतना भयंकर और खतरनाक यह कर्म है, कुछ से कुछ उलट पुलट क्या कर दे अंतराय कर्म, कुछ नहीं पता होता कैसे से क्या हो जाता है। एक और कहानी ध्यान आ रही है, दो फकीर थे। फकीर शब्द कहते आप समझ गए होंगे कि किस परिवेश के थे, किस फकीर थे। दोनों साथ मिलकर के मांगने निकलते थे, घूमते फिरते वे लखनऊ चले गए। अब कहानी में लखनऊ लिखा, कानपुर तो है नहीं, लखनऊ चले गए। लखनऊ में उस समय एक बादशाह का नाम था, राज था, उसका नाम सिराजुद्दौला था, और सिराजुद्दौला खैरात बांटता था, यानी दान देता था, लोग आते थे मांगने वाले, वो देता था, चाहे जिसको जैसा मन हुआ उसको दे दिया। उन दोनों फकीरों ने सलाह करे, चलो भाई बादशाह के मांगेंगे आज तो, देखते हैं क्या मिलता, चलो भाई चलो। दोनों पहुंचे, एक फकीर ने, जिसे लोग नारा लगाते हैं, नारा तो क्या कहें, मतलब उसने अरदास लगाई, और क्या अरदास लगाई, मौला दिलवाए तो मिल जाए, परमात्मा की कृपा हो तो आप कुछ दे देंगे, मौला दिलवाए तो मिल जाए। सिराजुद्दौला को ये बात पसंद नहीं आई, बोले जब उसने ही दिलवाना, जब उस पर ले ले तू, उसने ही दिलवाना है, मेरे पास काहे को आए, ये उसके मन में आया, फिर भी चलो आया है। उसने दो पैसे उठाए और उसको दे दिए, जाओ। उसने माथे को लगाए, भाई जो किस्मत हो मिल गई, चलो मौला दिलवाए तो मिल जाए, मैं मौला परमात्मा की यही कृपा हो यार, दो पैसे की वो ले करके चलता बना। दूसरे ने नारा लगाया, कहा जिसको न दे मौला उसको दे सिराजुद्दौला, परमात्मा भी जिसको नहीं देता उसको सिराजुद्दौला देगा। अब भाइयों, इससे तो खुश हो गया, तारीफ हो गई ना, तारीफ हो जाए तो फिर क्या हो, बड़ा खुश हुआ कि परमात्मा जिसको न दे उसको सिराजुद्दौला देता। उसने अपने नौकर से कुछ कान में कहा और कहा ये अंदर जाओ, एक खरबूजे को थोड़ा सा काट करके
उसमें दो अशर्फी रख दो और उसको बंद करके मेरे पास ले आओ। उसने ये दिखाने के लिए सिराजुद्दौला में कितनी बड़ी ताकत है वो ले आया, ना कि बादशाह को दे दिया। बादशाह ने कहा लो ये ले जाओ, वो दे दिया। बादशाह के सामने कौन बोले, पर जो दे दिया था ठीक, खरबूजा दे दिया चलो भाई, माथे को लगाया उसने चल पड़ा। दोनों बाहर मिले, बोले तुझे क्या मिला, बोले कुछ नहीं मिला, ये खरबूजा उठा कर पकड़ा दिया, बताओ। बोले भैया ऐसा ही है, मेरे को दो पैसे दे दिए। बोले क्या कर लो, बोले हाँ भाई। बोले मैं तो खाना भी खा लिया था, बताओ ये खरबूजा। वो बोले एक बात है, अगर तो ये खरबूजा बेचना हो तो मेरे को बेच दे, दो पैसे ले ले, दो पैसे का आता होगा, दो पैसे ले ले तू, और मेरे को भूख लगी है मैंने खाना है। बोले ले ले ले, पैसे मेरे को दे दे। उसने पैसे उसको दे दिए, उसने उसको खरबूजा दे दिया। दोनों चले गए अपने अपने ठिकाने। वहाँ जाकर के उसने खरबूजा खोला, दो शर्फी निकली, तो भाग भाग हो गए, आनंदित हो गए, दो शर्फी निकली, उसको खरबूजा मिला, खरबूजे के बदले उसने दो पैसे ले लिए। कुछ नहीं, वो क्यों बताने लगा भाई मेरे दो अशर्फी निकली हैं खरबूजे में से, कुछ नहीं। एक बार कहीं राह चलते पर वो सवारी पर था बादशाह, कैसे वो जिसको खरबूजा दिया था वो फकीर मिल गया और बादशाह ने पहचान लिया। पहचान तो उसको कहा अरे फकीर इधर आओ, हमने तुझको खरबूजा दिया था याद है? बोले हाँ जी आपने इनायत फरमाई थी, दिया था खरबूजा दिया था।